व्यापार और रोजगार की दृष्टि से विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना है और जिससे प्रत्यक्ष रूप से किसान भाई हमारे लाभान्वित होंगे। यह परियोजना 6 वर्षों के लिए चलेगी और इसमें 28 जनपद शामिल किए गए हैं। 8 मंडल के 28 जनपद होंगे। बुंदेलखंड के भीतर झांसी और चित्रकूट मंडल, विंध्य मंडल, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल, जो भारत सरकार के द्वारा 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए उसमें से 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को यह कवर करते हैं। इसी प्रकार से 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक जो कवर घोषित हुए थे उसमें से 50 ब्लॉक को यह कवर करते हैं और इसके भीतर ऐसे परियोजना क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी कृषक और कृषि उत्पादक समूह, कृषि उत्पादक संगठन, पट्टाधारक, मत्स्य पालक, मत्स्यजीवी सहकारी समितियां, निजी तालाब के मत्स्य पालक, उद्यमी और कृषि मत्स्य उद्यमी, महिला उद्यमी समूह, कुशल और अकुशल कृषि श्रमिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए इंटरप्रेन्योर और निर्यातक, ये सभी इनके माध्यम से इनको 20 से लेकर के वर्षों के लिए चलेगी और इसमें 28 जनपद शामिल किसान से लेकर के और उनको प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन तक जोड़ते हुए और मार्केटिंग लिंकेज इसके माध्यम से उन जनपदों के भीतर तैयार किया जाएगा। यह परियोजना लगभग 4,000 करोड़ रुपए की होगी और 6 वर्षों के लिए इसका कार्यावधि होगी। इस वर्ष से 2024 वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बजट के भीतर 200 करोड़ रुपए के प्रावधान पहले से ही इसको रखे थे। इसमें परियोजना का नाम विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग यूपी एग्री परियोजना, इसके क्रियान्वयन के बारे में आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान किया है। यह परियोजना लागत कुल US डॉलर में 482 मिलियन US डॉलर होगी। जो रुपए के में यदि कन्वर्ट किया जाता है तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए। एक बार बोल देता हूं तो मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ इसमें विश्व बैंक के द्वारा 338 मिलियन डॉलर यानी 2737 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। राज्य सरकार का हिस्सेदारी 144 मिलियन डॉलर यानी 1166 करोड़ रुपए होगी। परियोजना की अवधि 6 वर्ष है। ये 8 मंडलों के भीतर काम करेगी, उनके सभी जनपदों के भीतर जैसा आपको मैंने बताया। इसमें मॉरिटेरियम की अवधि 7 वर्ष होगा, ऋण वापसी की अवधि 35 वर्ष में होगी और ब्याज दर 1.23% विश्व बैंक को हमें अदा करनी होगी। 1.23% जी 35 वर्ष होगी। जो 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी के भीतर प्राइमरी सेक्टर का, कृषि क्षेत्र का जो रोल है, वह रोल को यह परियोजना उसके माध्यम से ताकत देगी। 7 साल मॉरिटेरियम जी कंट्रीब्यूशन इसका विश्व बैंक के द्वारा 338 मिलियन US डॉलर 2737 करोड़ रुपए, राज्य सरकार के द्वारा 144 मिलियन US डॉलर 1166 करोड़ रुपए। 35 वर्ष इसकी अवधि, 35 वर्षों में हमको अदायगी करना होगा। 6 वर्षों तक ये परियोजना चलेगी। 8 मंडलों के 28 जनपद इसके भीतर शामिल होंगे। इसमें 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं
और 50 के लगभग जो है हमारे स्पेशल ब्लॉक हैं, तो वो स्पेशल इसीलिए रह गए थे कि वो आर्थिक रूप से विभिन्न कारणों से पीछे थे। हाँ, एक फतेहपुर छूटा हुआ है, बाकी सब उसके भीतर शामिल है। हो गया सर जी, इसमें इसके सर, ये इसका लाभ यह होगा कि इस परियोजना के द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि किया जाना, दूसरा विशिष्ट उत्पादों का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था बनाई जाएगी, वैल्यू एडिशन के लिए जो इंटरवेंशन हो सकते हैं उन गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा और परियोजना के द्वारा कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और स्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम हैं, नवाचारी गतिविधियों को कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा और मूल्य विशिष्ट कृषि उत्पादों को क्रॉप क्लस्टर्स इसके भीतर तैयार किए जाएंगे, डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा, जेवर एयरपोर्ट पर एक्सपोर्ट हब की व्यवस्था बनाई जाएगी, कृषि उपज को बड़े पैमाने पर हम निर्यात कर सके उस दिशा में ये एक ठोस कदम होगा, कृषि क्षेत्र का एक SEZ की स्थापना भी इसके माध्यम से प्रस्तावित है और विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में हम कराएंगे और एक विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना इसमें की जाएगी। ये अलग अलग अब इतना जब आगे जब हम इसके रूल्स बनाएंगे और उसके भीतर जो डिस्कशंस के बाद तथ्य आएंगे तो उसके भीतर होगा। ये परियोजना जो है वो पूर्ण होगी 2030 तक, ये 2029-30 वर्ष तक के लिए है। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं, इसके माध्यम से यह जो एरिया चिन्हित किया जा रहा है वह 61.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल उसके भीतर है, लेकिन हम जो उसमें अभी क्लस्टर की आपको चर्चा किया 6.15 लाख हेक्टेयर में यह परियोजना की गतिविधियों का संचालन होगा। इसके भीतर भी हम लोगों ने यह व्यवस्था बना रखी है कि उस जिले के भीतर लोएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले जनपदों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉकों को चिन्हित किया जाएगा और उसमें से कम 30 ऐसे कम उत्पादकता वाले गांव को प्रति ब्लॉक हम चिन्हित करेंगे और इसमें वो 123 के करीब ब्लॉक आएंगे जिसमें 3690 गांव के भीतर यह इसका ये कार्यक्रम चलाई जाएगी। सही हो गया, इसमें 30,750 फार्मर ग्रुप भी बनाए जाएंगे जो क्लस्टर के भीतर एक प्रकार की खेती को करके और उत्कृष्ट पैदावार कैसे कर सके उसके बारे में वो इसकी व्यवस्था करेंगे।